हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा। पहले ही बोल देती हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखना। भाई, मेरी थोड़ी सी बकवास है उसको पूरा सुनना। कुछ लोगों को ये बकवास इसलिए लगेगी क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कितने अच्छे अच्छे जुगाड़ करती हूँ, तो उन लोगों को थोड़ी बकवास लग सकती है। पर जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं। मेरी हर वीडियो आपकी प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, जैसे कि आप मुझे ढेर सारे कमेंट करते हैं कि हमारी कुर्ती खराब हो रही है, मार्जिन नहीं है, या हमारा ब्लाउज खराब हो रहा है, मार्जिन बिल्कुल नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी ही मैंने एक वीडियो डाली थी, ये वाली वो वीडियो है। इस कुर्ती को मैंने सही किया था बिना मार्जिन के, इसमें मार्जिन नहीं था। यानी मेरी वाली कुर्ती में तो मार्जिन था, पर आप कैसे लूज कर सकते हैं बिना मार्जिन के, इसमें मैंने बहुत अच्छा आइडिया बताया है। और इस वीडियो को मैं बताऊं, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है कि उसके लिए तो भाई थैंक यू तो बनता है। तो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। इस वाले चैनल पर, इस वीडियो पर 500K व्यूज से भी ऊपर हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है यूट्यूब पर इतने व्यूज होना। और इंस्टाग्राम पर तो भाई कोई लिमिट नहीं है, 6 मिलियन व्यूज से भी ऊपर वो वीडियो हो गई है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पैशन बाय गीता शर्मा, वहां पर देख सकते हैं, 6 मिलियन से भी ज्यादा उस पर व्यूज हैं, और ढेर सारा प्यार दिया है लोगों ने मुझे। बस कुछ ही लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करनी, इतनी मेहनत से अच्छा तो कुर्ती किसी को दे दो। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने कपड़े को रीयूज ही करना चाहते हैं, मेरे की तरह। भाई, मैं तो अपने कपड़े को रीयूज ही करना चाहती हूँ। बहुत ही कम होता है जो कि मैं फेंक देती हूँ, वेस्ट करती हूँ, या तो मैं किसी को दे देती हूँ, या फिर भाई मैं उसको सही जरूर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सही करके देखती हूँ, अगर वो मेरे काम आ जाएगा तो इससे अच्छी और क्या बात होती है। कौन कौन ऐसा है भाई जिसको अच्छा लगता है अपने कपड़ों को रीयूज करना, सही करना और उसके बाद पहनना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। तो कुछ आइडिया मैं आपको और देने वाली हूँ। तो अगर आपकी कुर्ती में मार्जिन नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 से 3 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी, बहुत मुश्किल नहीं बताने वाली हूँ मैं। और जिनको ये लगता है भाई इतनी मेहनत क्यों करे, तो उनके लिए तो मेरी वीडियो बिल्कुल ही व्यस्त है, बकवास है। पर जो लोग ये मेहनत करना चाहते हैं कि अपनी कुर्ती को बचा सकते हैं और पहन सकते हैं, तो उनके लिए तो मेरी वीडियो बेस्ट है। तो वीडियो को आप पूरा देखना। बीच में कली लगाएं, जैसे कि मैंने लगाई थी इसमें, ये वीडियो आपको बहुत ही जरूरी देखनी है। इस वीडियो के बाद आप ये सारा काम कर पाएंगे जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बीच में कली ज्वाइंट कर दीजिए दोनों तरफ, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। एक तरफ नहीं कर सकते हैं हम। बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई एक तरफ फ्रंट से तो अच्छी लग रही है, बैक से तो बेकार लग रही है। अब भाई कुर्ती है ये, तो करनी पड़ेगी दोनों तरफ से ही सही। और कली को लगाते हुए ना, ऐसा नहीं कि अंदर से सिलना, आपको उस कली को रेडी कर लीजिए, पूरा प्रेस वगैरह करके अच्छे से रेडी कर दीजिए, और उसके ऊपर ऐसे ही रखकर कच्चा करके ऊपर से ही सिलाई लगा दीजिए। अगर आप ऐसे सिलना शुरू करेंगे ना, कि जैसे हम लोग कपड़े को और कपड़े के साथ रखकर सिलते हैं ऐसे, तो वो सही से नहीं सिलेगा। पूरी कली को रेडी कीजिए और उसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा दीजिए, जैसे मैंने कुर्ती सही करने वाली वीडियो में आपको दिखाया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो देखने के बाद ना आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्तियां सही की और मुझे बहुत सारा थैंक यू भेजा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। जैसे कि मैंने टी शर्ट सही की थी, ये वाली, ये देखिए बहुत टाइट सी टी शर्ट थी, ये अजीब सी, इसको मैंने लूज भी किया था और बहुत सुंदर भी बनाया था। ये देखिए ऐसी थी और मैंने ऐसी इसको बना दिया था। इसको मैंने सिर्फ फ्रंट से सही किया, इसको मैंने बैक से सही नहीं किया, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल था, फ्रंट से थोड़ा सा आगे को आ रहा था पर बुरा नहीं लग रहा था, फिटिंग बिल्कुल अच्छी आ रही थी। इसकी वीडियो भी आप जरूर देखना। इन सभी की वीडियो का लिंक ना मैं नीचे दूंगी, जिनको मैं बता रही हूं आपको। आप ऐसी कली साइड में भी लगा सकते हैं, अगर आप फ्रंट से सही नहीं करना चाहते तो सेम कली आप साइडों में भी लगा सकते हैं। जो आपकी सीधी कुर्ती होगी ना, उसे ए लाइन शेप भी मिल जाएगा और सुंदर भी बहुत लगेगी। अगर आपकी प्रिंटेड है तो प्लेन कपड़ा लगा दीजिए, अगर आपकी प्लेन कुर्ती है तो प्रिंटेड कपड़ा लगा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो कपड़ा ना दिखे तो आप उस पर लेस लगा दीजिए। बहुत ही सारे जुगाड़ हैं और बिल्कुल सही हो जाएगी कुर्ती, ठीक है। और कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने बीच में कली लगाना बताया है, हमारी तो जो कुर्ती है उसमें बीच में गला बना हुआ है, तो कैसे सही करें। ये भी उनकी बात सही है, गला भी खराब नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी पूरी कुर्ती को उधेड़ लेना है, फिर
साइडों से हल्की हल्की कटिंग कर सही शेप दे देनी है। उसके बाद साइडों में इस तरीके से कपड़ा लगा दीजिए, ठीक है। दो दो इंच भी लगाएंगे ना कपड़ा, वो बहुत है, बहुत सारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी पट्टी तो घर में भी पड़ी रहती है हमारे, थोड़ा बहुत कपड़ा तो घर में भी पड़ा रहता है। नहीं पड़ा तो यार सिर्फ 1 मीटर कपड़ा लाना पड़ेगा, साइड में पट्टी लगा दी दो दो इंच की। अगर आप वो कपड़ा मैचिंग का लगा रहे हैं, कंट्रास्ट लगा रहे हैं, दिखने देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर दिखने नहीं देना चाहते तो उसका भी हल है, हर चीज का हल है मेरे पास। साइड में आप उसके लेस लगा दीजिए। देखिए लेस वाली कुर्तियां तो इतनी ट्रेंड में है, इतनी महंगी महंगी आ रही है कि पूरे साइडों में लेस लगी रहती है। तो कपड़ा लगाइए किसी भी कलर का, उसके ऊपर उतनी ही चौड़ी लेस चिपका दीजिए, आपकी कुर्ती और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी, बहुत ही प्यारी हो जाएगी। ऐसे अगर मेरे पास कोई एक आध कुर्ती होगी जो टाइट हो गई होगी, मैं ऐसे करके भी दिखाऊंगी, पर पहले मैं आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया और हम लोगों ने ऐसे अपनी कुर्ती सही भी की है, पर फ्रंट गले वाली को हम कैसे सही करें। तो फ्रंट गले वाली के लिए यही है, या तो साइड में कली लगा दीजिए, दो दो ही कट करनी है, ज्यादा तो करनी नहीं है कली। और अगर कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ता है तो 4 पीस कट करने पड़ेंगे, फ्रंट पर भी लगाएंगे, बैक पर भी लगाएंगे, और फिर उसे चाक की तरह सील देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, साइड में आप पिक देखते जाइए कितने अच्छे तरीके से सही हो रही है, ठीक है। और अगर आपकी अम्ब्रेला कुर्ती है तो बहुत ही आसानी से सही हो जाएगी। साइड में दोनों तरफ कली लगा दीजिए, वो वैसे भी अम्ब्रेला है तो कली लगा देंगे तो वैसे ही वो लूज हो जाएगी पूरी की पूरी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कुर्ती के लिए तो बता दिया, स्लीव्स के लिए तो बताया नहीं। स्लीव्स के लिए तो मैंने अलग से बिल्कुल वीडियो बना रखी है कि आप अपनी स्लीव्स को कैसे चौड़ा करेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, ये वाली वो वीडियो है, इसको जरूर देखना। इन सभी की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देख लेना, एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, या फिर आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। स्लीव्स के लिए देखिए साइड में पिक देखिए, सिर्फ आपको बीच से कट करना है और कोई भी नेट का ज्वाइंट कर दीजिए जो आपकी कुर्ती से मैच हो रहा है, आपकी ब्लाउज से मैच हो रहा है। ब्लाउज की स्लीव्स और कुर्ती की स्लीव्स सेम तरीके से सही कर सकते हैं, कुछ अलग अलग तरीका नहीं है इसके लिए। कटिंग कीजिए, बीच में कोई कपड़ा लगा दीजिए मैचिंग की, उस कपड़े पर ज्वाइंट करके लेस लगा दीजिए या फिर अलग से नेट लगा दीजिए। हो गई हमारी स्लीव्स लूज, और सबसे अच्छी बात है भाई डिजाइनर भी हो गई। इतने छोटे छोटे से डिजाइन के लिए तो ना हम टेलर को भी पैसे देते हैं बहुत सारे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अम्ब्रेला कुर्ती का भी मैंने बता दिया, सिंपल कुर्ती का भी मैंने बता दिया। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आप इसी तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ मैं कि भाई आपकी कोई कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। लहंगे के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि लहंगा है तो उसका रीयूज कैसे करें, उसके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि एक लहंगा है मेरे पास भी जिसको मैं खोल कर कुछ ना कुछ करने वाली हूँ। तो भाई चैनल के साथ जुड़ जाइए अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, और कमेंट करके बताते रहना भाई आपका क्या कपड़ा खराब हो रहा है, जो कि मैं नए नए अच्छे अच्छे आइडिया आप लोगों को बताती रहूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेज आपको कैसी लगी, वो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेकर। बाय फ्रेंड्स।